हाँ भाई साहब, 12 मिनट से ज़्यादा हो गए आपको। आप जो है वो अभी तक हरकत नहीं कर रहे हैं, क्या चक्कर है? अरे अरे अरे, ये वाली हरकत नहीं है तो आप हवा से हिल रहे हैं ना, आप जिंदा नहीं हुए अभी तक। खैर है कि यार, वो कुछ लोग कहते हैं, आके इनबॉक्स में मैसेजेस करते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम पानी से खुद ही जिंदा हो जाते हो, मतलब बेहोश होते हो, ऑटो एक्टिव हो जाते हो, थोड़ी देर बाद निकालो तो आँख खोल देते हो, चलना शुरू कर देते हो। लेकिन यार तुम तो हरकत ही नहीं कर रहे हो, मतलब क्या है, मतलब ये कैसे मुमकिन है? हैं, क्या हुआ क्या है? तुम्हारी हालत इतनी बिगड़ी भी क्यों है? अभी तक तुम चल क्यों नहीं पा रहे भाई? ये क्यों नहीं चल रहा? 4 पाँव, 3 पाँव, 2 पाँव, जितने भी पाँव, उस पर ये चल नहीं रहा है। हैं, ये मुर्दा का मुर्दा ही पड़ा रह गया अभी तक, पल्ले नहीं पड़ रही। ये बात समझ नहीं आ रही, कुछ क्या कहानी है भैया? हैं, की कहानी है ये? वो एक एथिस ने आके मेरे इनबॉक्स में मुझे समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, पता नहीं उसने मेरी कौन सी वीडियो देख ली, आके बताता भाई ये जो तुम, अरे गया, चलो गिर गया, वो जिंदा होके नहीं गया, हवा से उड़ गया। वो एथिस जो था आके मुझे बता रहा है, समझाता है, कहता है कि ज़रा खूबसूरत मंजर भी देख लो पीछे, मेरा अल्लाह जो है ना वो खूबसूरत मंजर बना के दिखा रहा है, ज़रा फ्रेश फ्रेश फील करोगे। तो वह एथिस कहने लगा कि, बताने लगा, ये जो है ना ये तो सब इल्यूजन है, ये है वो है, ये तो बेहोश होते हैं, यूं होता है वो होता है। अबे भाई साहब, 12 मिनट से ज़्यादा हो गए, वो जिंदा ही नहीं हुए, इतने सारे मुर्दे मेरे पास पड़े हैं, वो जिंदा नहीं हुए, पानी से निकाल निकाल के थक गया, कोई जिंदा नहीं हुए, मेरे अथा माथा सटक ली कि क्या, क्यों नहीं जिंदा हुए भाई, पहले कैसे जिंदा हो गए थे? तो ये हैरत अंगेज बात है। फिर जो जिस केस पे मैंने अपने घर में ही काम किया, मेरे किचन के अंदर अल्लाह ने जिंदा कर दिया था मुर्दा, तो वो मुर्दा कैसे जिंदा हो गया? अगर तुक्के हैं तो तुक्के हर दफा होने चाहिए ना, नहीं होते पता लगा जो मुर्दे होते मुर्दा होते, और पानी से निकल के, पानी में जो मर चुके हो, पानी में जो मुर्दा हो चुके हो, और पानी में मरे हुए पानी से निकल के भी जिंदा नहीं होते, और पानी से निकल के भी मरे रहते हैं, पानी में भी मरे रहते हैं। और यहाँ पानी को मेरे कोई खुद तो उनको थोड़ी बोलता कि आके डूब जाओ, मेरा क्या कंट्रोल है, मैं तो इस हवा में उड़ते परिंदे को अपने इशारों के ऊपर नहीं चला सकता। ये अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, हवाओं के अंदर भी, ये बादल अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, वो सूरज अल्लाह का पाबंद है हुक्म का, ये अल्लाह के नाम का दरख्त, ये अल्लाह के हुक्म का पाबंद है, ये ज़मीन व आसमान अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। वो आसमान से पानी बरसाता है, उस पानी के जरिए ज़मीन से चरिंद परिंद धरिंद और ये सब, और फल फ्रूट सब्जियाँ जो चाहता है बनाता रहता है, उसकी सल्तनत उसकी बादशाहत। वो है जो ज़िंदगी देता है, और वही है जो मौत देता है, और वही है जब चाहता है दोबारा ज़िंदा कर देता है, और उसी ने मुर्दे ज़िंदा करके मुझे दिखाए। मैंने रिकॉर्डिंग करी, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई, फुटेजेस बनवाए, और मैंने दुनिया वालों के सामने पेश कर दिए कि लो देखो अपनी आंखों से, तुम कहते हो मुर्दा ज़िंदा नहीं हो सकता, अल्लाह ने 21वीं सदी में मुर्दे भी कैमरों के दौर में कैमरों के सामने ही ज़िंदा करके दिखा दिया, और साबित किया कि जो कहते थे बाबे तो कोई शे नहीं, जो कहते थे कि सहाबा कराम के जरिए कोई मौजजात नहीं हुए, उनकी शक्लों के ऊपर अल्लाह ने ऐसी फिटकार बरसाई, ऐसी फिटकार बरसाई, उनके दावों को झूठा साबित कर दिया लेजेंड के हाथों, और अल्लाह ने फिर दिखाया 21वीं सदी में मुर्दे जिंदा करके कि ले देखो। इनकार करने वालों, मजाक उड़ाने वालों, तानाजनी करने वालों, तुम्हारे चेहरों के ऊपर रूहानी थप्पड़ लेजेंड के जरिए अल्लाह के हुक्म से आगे पड़ा, और तुम फिर जलील रुसवा हुए, और लेजेंड ने साबित किया अल्लाह की मदद से कि अल्लाह जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस वक्त चाहे 21वीं सदी में मुर्दे जिंदा कर देता है। वो कर चुका है, माजी में भी कर चुका, 21वीं सदी में भी, और जब चाहेगा फिर जिंदा करेगा, और अगर चाहेगा तो इंसानों को भी जिंदा कर देगा दोबारा, जहाँ पर, जिस कब्र से चाहे, जिस वेंटिलेटर मशीन पर चाहे, जिस घर में चाहे। वो तो वक्त आने वाला बताएगा जब लेजेंड के पास कोई मुर्दा जिंदा करवाने आएगा, और फिर अल्लाह जब चाहेगा उसको दोबारा जिंदा करके दिखाएगा, तो दुनिया वालों के छक्के छूटेंगे और पाकिस्तान नंबर 1 पर नज़र आएगा, और दुनिया के तमाम वो लोग जो कहते हैं कि काफिरों ने तरक्की करी है साइंस में, उन्हें अपनी औकात बहुत मामूली नज़र आएगी, और वो सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये ऐसे मुमकिन है कि लेजेंड जिसका प्रचार कर रहा है और जिस मुल्क से प्रचार कर रहा है, वो मुल्क भी अल्लाह के फजल से हाई फाई है, उस मुल्क के अंदर रहने वाले औलिया अल्लाह भी बहुत हाई फाई हैं, और उस मुल्क के अंदर इस्लामिक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई फाई है, और उसी मुल्क के अंदर से रहने वाला ऑफर करता है अपना मुर्दा जिंदा कराओ, लेजेंड के पास आओ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा होने का नज़ारा कराओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, लेकिन लेजेंड को पेमेंट जमा कराओ, उसके बाद अल्लाह का फजल का इंतज़ार कराओ, देखो फिर होता क्या है, क्या होता है।
वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। और अल्लाह जब तक ना चाहे किसी का बाप भी किसी मुर्दे को, तो क्या किसी मरे हुए मच्छर को भी जिंदा नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। Thank you.